विधानसभा चुनावों में अखिलेश सरकार पर एक तरीके से अनुपूरक बजट आज पेश किया जाएगा और आज पेश होने वाला अनुपूरक बजट 25,000 करोड़ रुपए का होगा। बताया जा रहा है कि अखिलेश सरकार अनुपूरक बजट का सबसे ज्यादा पैसा पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग को दे सकते हैं। साल 2016-17 के लिए पेश होने वाले इस बजट में पीडब्ल्यूडी विभाग को 6,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। इसके तहत राज्य में अकेले सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जाने की उम्मीद है, तो वहीं सूबे में नदियों की हालत सुधारने के लिए 1,000 करोड़ दिए जाएंगे। जिन नदियों की हालत सुधारने के लिए पैकेज का ऐलान हो सकता है उनमें लखनऊ की गोमती, वाराणसी की वरुणा, मथुरा की यमुना नदी शामिल है। विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, मुझे ये बताइए कि पीडब्ल्यूडी को सबसे ज्यादा एक तरीके से कहें अनुपूरक बजट में धनराशि दी जा सकती है, क्या वाकई जरूरत है या फिर ये कहें कि जिस तरह से पिछले दिनों नाराजगी देखने को मिली थी शिवपाल यादव की, ठीक है नाराजगी दूर हो गई, बैठक भी हुई, उन्होंने खुलकर की बात बोली, इसके तहत ये सारी चीजें हैं? उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले साल होने वाले हैं और यूपी में खासतौर से गांव की और जो छोटे शहर हैं उनकी सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बारिश चूँकि इस वक्त चल रही है, बारिश के बाद इनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अब सड़कों पर सरकार का ध्यान गया है और इस लिहाज से पीडब्ल्यूडी को सबसे ज़्यादा पैसे दिए जाने की उम्मीद है। 25,000 करोड़ का अनुपूरक बजट आज मुख्यमंत्री रखेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज अगर हम बात करें, कल से ये सत्र शुरू हुआ है मानसून सत्र, लेकिन कल सिर्फ निधन की सूचनाएँ दी गई और उसके बाद स्थगित कर दिया गया विधानसभा। आज जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जो आज शुरुआत होगी, उसमें भारी हंगामे के आसार हैं। बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी है कैराना के मुद्दे को लेकर, मुजफ्फरनगर के मुद्दे को लेकर, मथुरा के मुद्दे को लेकर, बुलंदशहर के लेकर, बाढ़, किसान, ये सारी चीज़ें बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाएंगे। कांग्रेस ने भी मथुरा के मुद्दे को अपने एजेंडे पर ले रखा है। तो आज विधानसभा की शुरुआत 11 बजे जब होगी तो ये माना जा रहा है कि भारी हंगामा होगा, कुछ लोग बॉयकॉट भी कर सकते हैं और आज सरकार को खासी परेशानी उठानी पड़ सकती है और इसी हंगामे के बीच ही मुख्यमंत्री को अपना अनुपूरक बजट पेश करना होगा। तो आज का दिन विधानसभा सत्र के लिहाज से, विपक्ष के लिहाज से, सत्ता पक्ष के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देखना होगा कि आखिर आज क्या कुछ देखने को मिलता है इस सत्र में। जानकारी देने के लिए विवेक बहुत बहुत धन्यवाद।